नमस्कार एवरीवन, तो हम चलते हैं एसएफडी बीएमडी के नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब ऐसे न्यूमेरिकल हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, बट इस न्यूमेरिकल में नई चीज़ क्या है कि यहाँ पर हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट तो कैलकुलेट करेंगे, है ना, फॉर द प्योर बेंडिंग, बट यहाँ पर हम लोकेशन भी पता करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ पर शियर फोर्स या जिस पॉइंट पर शियर फोर्स ज़ीरो होगा उस पॉइंट पर हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो वो डिस्टेंस हम अब पता करेंगे कि किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलने वाला है। ओके, सो हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में आप देख रहे हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, इसकी सपोर्ट रिएक्शंस, है ना, आर ए एंड आर वी हमको फाइंड आउट करना है। तो आर ए एंड आर वी फाइंड आउट करने का तरीका ये रहा, है ना। सबसे पहले हमने लगाया समेशन ऑफ एफ वी इज इक्वल ज़ीरो, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं, ठीक है। सो अब आर ए एंड आर वी को मैंने पॉजिटिव लिया है क्योंकि अब बढ़ जा रहे हैं, एंड इज इक्वल जो भी डाउनवर्ड जा रहे हैं उनको इक्वल में रखा जो फोर्सेस। तो डाउनवर्ड में कौन सा फोर्स है, हमको केवल यूडीएल दिख रहा है, और यूडीएल का लोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी डिस्टेंस पे यूडीएल फैला हुआ है उसका इनटू कर देते हैं, ठीक है। तो 18 इसका सेल्फ वेट है, बट इसका टोटल लोड क्या हो जाएगा बीम पर, 18 × 4, ठीक है, कितना, 74 किलो न्यूटन। आर ए प्लस आर वी इज इक्वल क्या आ गया, 72 किलो न्यूटन। अब हमने लगाया समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल ज़ीरो, ठीक है, समेशन ऑफ एम ए इज इक्वल ज़ीरो लगाए, ए के अबाउट लगा रहे हैं इसलिए ए लिखा है यहाँ पर। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पे क्या, हमने एंटी क्लॉक वाइज को नेगेटिव लिया है, तो -16 × होल डिस्टेंस 9 फ्रॉम द ए, एंड देन प्लस क्लॉक वाइज को पॉजिटिव लिया है, तो 18 × 4, पहले तो लोड, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम UDL की जस्ट डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस लेते हैं हम, ठीक है। तो 18 × 4 तो लोड हो गया, एंड इसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A क्या होगी, 4/2 इज इक्वल ज़ीरो। तो यहाँ से RV की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 16 किलो न्यूटन। इस वैल्यू को उठा के हमने इस इक्वेशन में रखा तो RA क्या मिल गया हमको, 56 किलो न्यूटन। तो ये तो निकल आई आपकी सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है। आगे चलते हैं हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन पर। शियर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं हम, पहले भी कर चुके हैं, अब तो आपको आने लगा होगा, ठीक है। शियर फोर्स बी के राइट में क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। एट पॉइंट बी पर क्या होगा, अपवर्ड जा रहा है, तो हमको क्या लेना है, नेगेटिव। बीम के राइट हैंड साइड अपवर्ड को नेगेटिव एंड डाउनवर्ड को पॉजिटिव। सो एट पॉइंट बी पर क्या आ गया, -16। ओके, सी के आर में भी -16 होगा क्योंकि और कोई लोड हमको दिख नहीं रहा। एट पॉइंट सी पर भी -16 होगा क्योंकि खुद पॉइंट सी पर कोई लोड नहीं है। ए आर, शियर फोर्स ए आर, ए के राइट में क्या होगा, -16 तो है ही। अब आ गया अपना यूडीएल, तो यूडीएल क्या, डाउनवर्ड है, इसलिए हमने लिखा प्लस 18 × 4 इसका लोड, ठीक है, कितना, 56 आया। एट पॉइंट ए पर क्या आ गया आपका, 56 माइनस, ये अपवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, इसलिए माइनस आ गया, -56 इज इक्वल ज़ीरो। पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं ना ये चीज़। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में हमको क्या साइन कन्वेंशन लेने हैं, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज को हमको नेगेटिव लेना है। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी निकालें तो क्या आएगा आपका, अभी तो ज़ीरो क्योंकि मोमेंट इज इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है यहाँ पर, तो ज़ीरो आया। अब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पर चलते हैं, ठीक है, सी पर क्या हो जाएगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेना है हमको, पॉजिटिव। तो 16 × परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी तक की कितनी आ गई आपकी, 5। तो 16 × 5 80 किलो न्यूटन मीटर। अब आते हैं पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर सॉल्व तो हमने किया है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव 16 × होल डिस्टेंस 9, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 9, ये डाउनवर्ड है या क्लॉकवाइज में, तो -18 इसका खुद मतलब डिस्टेंस, तो हो गया लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, इसके डिस्टेंस का जस्ट हाफ, 4/2, ज़ीरो आएगा। और कैसे ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को कि यदि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो लास्ट पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट हमेशा ज़ीरो आने वाला है ना, कैंटीलीवर है तो नहीं आएगा, बट सिंपली सपोर्टेड है तो लास्ट
पॉइंट जो है बेंडिंग मोमेंट का वो जीरो आएगा। अब हमारा मेन जो डिफरेंट टास्क है हमारा प्रीवियस वीडियो से वो क्या है कि हमको ये लोकेशन पता करना है कि क्या पता करना है कि शियर फोर्स कहाँ पर साइन चेंज कर रहा है या शियर फोर्स किस पॉइंट पर ज़ीरो हो रहा है, तो उसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बट ये डिस्टेंस कितनी होगी, या तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें या फिर इस एंड से कैलकुलेट करें, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी जहाँ पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है या ज़ीरो हो रहा है ना। तो ये डिस्टेंस पता करने की प्रोसेस क्या है कि थोड़ा सा थ्योरी ये है इसकी कि हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लेंगे। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सी से ए तक, सी से ए की जो डिस्टेंस है वहाँ पर शियर फोर्स जो है साइन चेंज कर रहा है, ये साइन चेंज कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये पॉइंट किस किस के बीच में, ए और सी के बीच में है, तो हम क्या करेंगे एक सेक्शन ले लेंगे, ए और सी के बीच में एक सेक्शन ले लेंगे। ये पॉइंट ए है और ये यहाँ कहीं पर सी है, हमने इनके बीच में जो है एक सेक्शन ले लिया है ना, और ए से इसकी डिस्टेंस एक्स रख दी है, ओके एक्स एक्स सेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, इस सेक्शन पर शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे और उसको इक्वल ज़ीरो कर देंगे, तो हमको एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी है ना। और फिर हम उस एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे, इसी सेक्शन में हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे और उस एक्स की वैल्यू को हम वहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे, एज पर शियर फोर्स डायग्राम जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, शियर फोर्स चेंजेस साइन इन बिटवीन सी एंड ए पॉइंट, देयरफॉर सेक्शन बिटवीन सी ए एंड लोकेट पॉइंट ऑफ जीरो शियर फोर्स बाय इक्वेटिंग शियर फोर्स इक्वेशन टू जीरो, अभी एक्सप्लेन किया ये। लेट सेक्शन एक्स एक्स एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट ए, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर हम एक सेक्शन लेते हैं ए सपोर्ट से, है ना। यहाँ पर हम हमारी रिएक्शन कितनी निकली थी 56, तो हमने 56 यहाँ पर लिखा। अब शियर फोर्स हमको कैलकुलेट करना है ना। अभी तक हम क्या, ये साइन कन्वेंशन क्या ले रहे थे कि बीम के राइट हैंड से हम स्टार्ट कर रहे थे, है ना, बीम के राइट हैंड से, तो हम अपवर्ड फोर्सेस को क्या ले रहे थे, अपवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव ले रहे थे। बट यहाँ पे अब बीम के हम लेफ्ट हैंड साइड चले गए हैं, तो अपवर्ड फोर्सेस को हम लेंगे पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस को लेंगे हम नेगेटिव, ठीक है। तो यही किया है हमने कि प्लस 56 और माइनस 18 इंटू एक्स इज इक्वल ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल गई एक्स की वैल्यू कितनी, 3.11 मीटर। अब नेक्स्ट और लास्ट टास्क क्या रहेगा हमारा कि हम इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख देंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, है ना, इसी सेक्शन के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 56 इसके साइन कन्वेंशन भी जस्ट अपोजिट हो जाएंगे क्योंकि अभी तक हम बीम के राइट हैंड से कैलकुलेट कर रहे थे, हम लेफ्ट हैंड पे हैं, तो इसलिए साइन कन्वेंशन इसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, है ना। तो अब ये 56 इस सेक्शन के अबाउट कैसे रोटेट होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो इसलिए आएगा पॉजिटिव जबकि यहाँ पर क्या था, नेगेटिव, ठीक है। तो 56 इंटू एक्स माइनस 18 इंटू एक्स और डिस्टेंस का हाफ इंटू एक्स बाई टू, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू, ये वाली जो एक्स की वैल्यू है ये कौन सी वाली रख देंगे, ये जो अभी हमने कैलकुलेट करी है, तो हमने एक वैल्यू पुट अप की यहाँ पर, हमको मिल गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना, 87.11 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, इस एक्सप्लेनेशन के पहले हमने काम क्या क्या कर लिए थे कि हमने शियर फोर्स बना लिया था पर बेंडिंग मोमेंट हम नहीं बना पाए थे, है ना। तो शियर फोर्स देखो, शियर फोर्स कैसे बना लेंगे, अब हम ज़ीरो, फर्स्ट पॉइंट ज़ीरो, सेकंड पॉइंट माइनस 16 था, या इसको 16 ही रहने दो क्योंकि बीम के नीचे है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव ही है, फिर 16 ही आया है पॉइंट सी पर। अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमको नहीं मिल रहा था ना, ये इतना हमने डायग्राम बना लिया था बट हमको ये पॉइंट नहीं मिल रहा था कि अब हम इसको, इस पॉइंट को कैसे सर्च करें फ्रॉम पॉइंट ए ना, ए से हम कैसे सर्च करें। तो ये एक्स डिस्टेंस अब हमने फाइंड आउट कर लिया कितनी है, 3.11 मीटर है, तो हमने इसको लोकेट किया, यहाँ पर एक पॉइंट रखा, फिर हमने
नेक्स्ट पॉइंट क्या मिला हमको, 56। ये 56 यहाँ पर पुट अप किया और फिर इसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला दिया। 56 के बाद हमें ज़ीरो पॉइंट मिला, तो ये ज़ीरो यहाँ पर पुट अप कर दिया। तो ये तो बन गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम, पॉजिटिव नेगेटिव, बीम के ऊपर पॉजिटिव, बीम के नीचे नेगेटिव। अब आते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर। तो ठीक है, ये पॉइंट हम लोकेट कर लेंगे पहले ही। यहाँ से एक्स डिस्टेंस कितनी, 3.11। ठीक है, इसी पॉइंट पर ऊपर की तरफ लोकेट करेंगे पर्टिकुलर स्केल लेके, कितना, 87.11। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। और ये कर्व क्यों बनाया, यह पैराबोला क्यों बनाया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यूडीएल प्रेजेंट है। ओके, सो अब बेंडिंग मोमेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। डायग्राम 0, 80, ठीक है, एंड देन ज़ीरो। बट अब हमको जो पैराबोला बनाना है उसका मैक्सिमम पॉइंट अब हम कहाँ रखेंगे, ये जो पॉइंट हमने लोकेट किया है इस पॉइंट से होता हुआ ये मैक्सिमम हमने पैराबोला बना दिया। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हुआ हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कोई कंफ्यूजन है या कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।